सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी एस जे विन को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे NHPC को लेकर। तो आप लोग देखोगे भी और इन सब के साथ आप लोग रेलटेल कॉरपोरेशन भी देखोगे, वहां पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है। इन दोनों शेयरों में भी आप लोग देखोगे पॉजिटिव ही ओपनिंग हुई है और ऊपर से जो शेयर है दोनों के दोनों फिसल रहे हैं। तो बहुत से निवेशकों के कमेंट आए थे, आप तो कह रहे थे कि 15% भागेगा, 20% भागेगा। भाई आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो ना, तो आपका यही असर होगा। ठीक है, मैंने बोला तो कोई जरूरी नहीं कि 15-20% भागे। मैंने एग्जांपल दिए थे, दो कंपनियों के एग्जांपल दिए थे, आप लोग वहां पर जाकर देखें ना उन शेयरों में कैसा माहौल बना। इन दोनों कंपनियों को नवरत्न स्टेटस मिला गवर्नमेंट की तरफ से। ये 1000 करोड़ रुपए तक जो ना भी स्टेटस मिलने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर कंपनी का एक्विजिशन करना है, ठीक है, तो वो ये सब कंपनियां कर सकती हैं 1000 करोड़ तक। पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 1000 करोड़ तक ये कर सकती है। इसके ऊपर के अगर हो गए डील वगैरह तो उसके अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तो इसका ये बेनिफिट है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैंने इरेडा का एग्जाम्पल दिया, जब नवरत्न स्टेटस मिला और उसके अगले दिन इरेडा का जो शेयर है वो आप लोग देखोगे 15% तक उछला था भाई। ठीक है, साथ में आप लोग देखोगे 13-14% जो शेयर है वो उछला था मजगांव डॉक का, जब उसको नवरत्न स्टेटस मिला था। तो मैंने दो स्टॉक्स के एग्जांपल्स दिए थे और मैंने बोला था देखो भाई इन दोनों स्टॉक्स की जो सर्किट लिमिट है वो भी 20% की है, तो इसलिए यहाँ पर भी चांस हो सकता है कि जो स्टॉक्स है वो 15-20% उछल जाए। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक ओपन होते हैं 5% के आसपास या फिर इसके ऊपर के भाव में तो इंट्राडे का कोई माहौल नहीं बनेगा। अदरवाइज ये स्टॉक अपने प्राइस के आसपास या फिर 1-2% के आसपास ओपन होते हुए नजर आए तो इंट्राडे के लिए अगर आप लोग करना चाहो तो नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस पकड़ के ही आपको करना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी थी, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा करो उसके बाद कमेंटबाजी किया करो भाई। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इनके लेवल्स वगैरह कैसे बन सकते हैं। ऊपर के भाव से आप लोग फिसल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो रिवर्सल तो देखो भाई आ सकता, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा दबाव सा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर भी इनका चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी एस जे वी एन में हमें ऊपर से जो भाव इसका ओपनिंग का टाइम का था 140 रुपये के आसपास का भाव था अभी इसका, वहाँ से जो ये शेयर है आप लोगों फिसल रहा है भाई, अभी 137-138 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई जिसको रिस्क नहीं लेना है स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी, उनके लिए सपोर्ट रहेगा लगभग 132 का। ठीक है, 132 का सपोर्ट है, आप लोग चाहो तो 128 का भी इसके अंदर सपोर्ट बन रहा है, उस लेवल को भी सपोर्ट के तौर पर लेके चल सकते हो, बट 132 का भी सपोर्ट ही है जिसको रिस्क नहीं लेना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये सपोर्ट लेके चल सकते हो और ऊपर में चांसेस थे इसके 144-145 के आसपास जाने के इस खबर के बाद, लेकिन वैसा नहीं हुआ भाई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगला हमारा शेयर अभी NHPC। NHPC के चांसेस थे कि ऊपर में जो शेयर 105 रुपये के आसपास हमें जाते हुए नजर आए, बट यहाँ पर 102 रुपये का ब्रेकआउट, 101 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट आना जरूरी था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी के टाइम स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे वही देखो 92 रुपये के आसपास का सपोर्ट है नीचे में, जिसको रिस्क नहीं लेना है, ये सपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाता है, एक अच्छी खासी रैली बनती है इस खबर के बाद, तो ये शेयर ऊपर में आपको 105 रुपये के आसपास के भी मूव दे सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आपको रिस्क लेना है फिर नहीं लेना है। 92 का नीचे में सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 105-110 की रेंज में भी स्टॉक जा सकता है भी, अगर मार्केट ने आज के दिन साथ दिया तो। और बाकी खबरें जो भी आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में जो भाई बैठा हुआ है वो बेचिंतित होकर बैठा रहिए भाई, नीचे में डबल बॉटम का पैटर्न इसने बनाया है और इसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम, तो चांसेस है इसके यहाँ से रिवर्सल के। आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक जो फिर से 120 रुपये के आसपास, 130 रुपये के आसपास वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसलिए इन शेयरों को लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले सिमटेड वाले हुए 92 के सपोर्ट के साथ आगे के लिए अपना जो कुछ भी वो कर सकते हैं भाई, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।